इंदौर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भगवा ऑटो यूनियन द्वारा की जा रही हड़ताल समाप्त हो गई है। भगवा ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि परिवहन अधिकारी द्वारा उनकी मांगों को लेकर उचित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने इस हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि इंदौर में आज भगवा ऑटो यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि यह हड़ताल ऑटो चालकों की रोजी रोटी को लेकर की गई। हड़ताल शहर में कई कंपनियां अवैध रूप से परिवहन कर लोक परिवहन के नियमों का मखोल उड़ा रहे हैं। इनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही परमिट है। इन्हें बंद करने की मांग की गई और इसके साथ ही यूनियन द्वारा 2021 से पहले के ऑटो चालकों की ई चालान माफ करने की मांग की गई थी और फिटनेस कैंप बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को यूनियन द्वारा की गई। और वहीं इन्हीं को लेकर उन्होंने आज हड़ताल करते हुए परिवहन कार्यालय का घेराव किया और साथ ही साथ भगवा ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार परिवहन अधिकारी द्वारा उन्हें लिखित में आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ऑटो चालकों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर लौट आए। ये हड़ताल रिक्शा चालकों की हड़ताल थी, उनकी रोजी रोटी की हड़ताल थी, उनके पेट पर जो लात लग रही थी उसके लिए हड़ताल थी। हमारी पहली मांग ये थी कि शहर के अंदर चल रही अवैध रूप से बाइक टैक्सी, ओला, उबेर, जुगनू, मैक्सिमो, रेपिटो, ये फर्जी नाम से कंपनियां चल रही हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई परमिट नहीं है, ये अवैध रूप से यहाँ चल रही है। हमारे ऑटो चालक 6-6, 8-8 घंटे स्टैंड पे खड़े रहते हैं। बाइक टैक्सी वाला आता है, सवारी को लेकर चला जाता है, सीधे सीधे ऑटो चालक की सवारी चली जाती है, ऑटो चालक की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, उसके पेट पर लात लग रही है। दूसरी हमारी मांग थी कि 2021 के पहले पहले हमारे सभी जितने भी ई चालान है उसे माफ किया जाए, क्योंकि ऑटो चालक ने कोविड काल के अंदर अपनी रिक्शा को एम्बुलेंस के रूप में काम करा, अस्पताल में मरीजों को लाना ले जाना, ऑक्सीजन सिलेंडर लाना ले जाना करना, उस समय के भी ई चालान हमारे को थोपे जा रहे हैं। एक एक ई चालान के 500-500 रुपए लिए जा रहे थे, जिसके 15-15 ई चालान बता दिए जा रहे हैं, 20-20 ई चालान बता दिए जा रहे हैं। ना तो उन ऑटो चालकों को नोटिस जा रहा है, ना उनको कोई जानकारी है, बस कहीं पे भी गाड़ी रोकते हैं, डंडा अड़ाते हैं, फोटो खींचते हैं और उसको बोलते हैं तुम्हारे 20 चालान है, तुम्हारे 25 ई चालान है। ऑटो चालक अपना परिवार के लिए बड़ी मुश्किल से चला रहा है, किस हिसाब से ये चालान मांगे जा रहे हैं। हमारा उसका विरोध था, हमारी ये दो मांगे थी। तीसरी हमारी मांग थी कि इंदौर शहर अब काफ़ी बढ़ चुका है, मेट्रो स्टेशन यहाँ बन रहे हैं, मेट्रो लाइनें आ गई हैं, हमारी दूरी मात्र 15 किलोमीटर की कर रखी है। हमारा इतना निवेदन है कि उसकी दूरी को 50 किलोमीटर की दूरी की जाए, क्योंकि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास में है, ऑटो आना जाना सब जगह चलता है, राजेंद्र नगर है, मऊ है, तो ऑटो चालक अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा। चौथी हमारी मांग है कि जो भी कागज है जो सरकारी रेट पे बने जाए, दलालों के माध्यम से अभी तक कागज बन रहे थे, 2000 रुपए का कागज 5000 रुपए, 8000 रुपए, 20000 रुपए में बन रहे थे, वो कागज को सरकारी रेट में बनाया जाए। पांचवी हमारी मांग है कि फिटनेस कैंप बढ़ाया जाए, जिस पर आज हमने धरना प्रदर्शन करा, 5000 लोग हम आरटीओ पर घेराव पर थे, आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी का घेराव करा, फिर उन्होंने हमारी सारी शर्तें आज मानी, हमको लिखित में उन्होंने सारी शर्तों को माना और हमको बिल्कुल कहा कि आप हमें 8-10 दिन का समय दें, 10 दिन के अंदर आपको सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी और आपकी सारी मांगे हम मान रहे हैं, जिसकी खुशी में हम सब ऑटो चालक एकजुट होकर के एक रैली के रूप में हड़ताल को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हड़ताल है इसके अंदर आपकी कर रहे हैं, उनकी टैक्सियाँ भी चल रही हैं, कुछ आपके लोगों ने टैक्सियाँ रोकी, उनका अपशब्द भी कहा है? देखिए, वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर चला रहे हैं राजेश भिड़कर, वो चला रहे हैं मैं लात चलाऊंगा, मैं हाथ चलाऊंगा, दारू पीते हैं, उन्हें होश नहीं रहता, अब उनकी उम्र हो गई और अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरा, उनका एजेंटशिप का धंधा है, वो एजेंट है, दलाली करते हैं, रिक्शा चालकों का शोषण कर रहे हैं। अगर वो इतने ईमानदार होते तो आज हमको धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी पुरानी एसोसिएशन है, उनको पहले ही मांग कर लेना थी, लेकिन आज हमने स्वेच्छा से मांग करी, ईमानदारी से मांग करी, हमारी मांगें पूरी करी। तो राजेश भिड़कर तो फर्जी आदमी है, दारू पीकर कुछ भी बोलता है, आपका 54 आदमी की बात सुनते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ।